हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपिका एंड वेलकम टू कानूनी सोच। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप के ऊपर। कई बार होता है कि जैसे लड़का लड़की रिलेशनशिप में हैं, कई बार उनके बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं बाद में, तो उनका माइंडसेट कैसे हो जाता है, डिप्रेस हो जाते हैं बहुत सारे। क्या होता है, हमारा माइंडसेट क्या होता है जब हम रिलेशनशिप में पढ़ते हैं, या जब हमारा रिलेशनशिप टूटता है तब हमारा क्या माइंडसेट होता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कई बार होता है दोस्तों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं हमारे मन में, जो हमारे मन में कहीं ना कहीं दबे रह जाते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से मेरी छोटी सी कोशिश है कि मैं उन डाउट्स को क्लियर कर सकूं, लोगों के जीवन में थोड़ी सी हम खुशी ला सकें। यही दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद है। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी लीगल और मोटिवेशनल वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे मान लीजिए कोई लड़का लड़की है, दे लव ईच अदर, और बाद में उनके बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं, एक जना दूसरे को छोड़ देता है, तो वो जना सोचने लग जाता है कि भाई उसने मुझे छोड़ दिया और अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई है, ऐसे सारे ख्याल मन में आते हैं। तो दोस्तों, आप मुझे बताइए, क्या इज इट द एंड ऑफ लाइफ? क्या हमारी जिंदगी में बस यही चीज इंपॉर्टेंट है और हमारी जिंदगी में कुछ नहीं बचा? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। तो क्यों हम एक स्टूपिड से बंदे की वजह से, जिसने हमें छोड़ दिया, जिसने हमारी फीलिंग्स की कदर नहीं करी, हमारे प्यार की कदर नहीं करी, हम उसके लिए अपना जीवन, इतना अनमोल प्रेशियस जीवन, मनुष्य जीवन को व्यर्थ कर दें, वेस्ट कर दें? भगवान जी ने हमें कितने सारे अच्छे काम करने के लिए ये जीवन बख्शा है, तो क्यों हम उनके इस प्यारे से गिफ्ट को वेस्ट कर दें किसी फालतू से इंसान के लिए जिसने हमारी फीलिंग्स की कदर नहीं करी? दोस्तों, सोचने की बात है, कभी भी प्यार एक तरफा नहीं होता, प्यार हमेशा दो तरफा होता है। अगर कोई प्यार एक तरफा है तो वो लॉन्ग टर्म तक नहीं चल सकता। प्यार दो तरफा होगा, यानी कि दोनों बंदे आपस में एक दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे, आपस में एक दूसरे से उतना ही प्यार करेंगे, उतनी ही केयर, उतनी ही रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे की, तभी वो लॉन्ग टर्म तक चल सकता है। दोस्तों, ये बात समझने के लिए बहुत जरूरी है। मान लीजिए एक बंदे ने धोखा दे दिया, ठीक है, तो दूसरे बंदे को ये सोचना चाहिए कि ठीक है, उसने मुझे धोखा दे दिया, भगवान ने जरूर मेरे लिए कुछ ना कुछ और अच्छा सोचा होगा, क्योंकि वो मेरे लिए सही मैच नहीं था, मेरे लिए भगवान जी ने और अच्छा सोच रखा होगा। ऐसी सोचिए दोस्तों, ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, लाइफ में सैड मत रहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सिर्फ भगवान जी जानते हैं। तो हमें सिर्फ ऊपर वाले पे भरोसा रखना है, विश्वास रखना है कि वो मेरे लिए सही चीज मुझे सही टाइम पर जरूर देगा। ये मेरे लिए सही चीज नहीं थी, इसलिए उसने मेरे साथ ऐसा किया और वो मेरे से दूर चला गया या दूर चली गई। वो कहते हैं ना दोस्तों, कि अगर कोई एक जना आपको एक बारी धोखा देता है तो इट इज शेम ऑन दैट पर्सन, लेकिन अगर वो जना दोबारा आपको धोखा देता है तो इट इज शेम ऑन यू। यानी कि अगर वो एक बार धोखा दे रहा है तो उसको शर्मानी चाहिए, सामने वाले बंदे को, लेकिन अगर वो दोबारा धोखा दे रहा है आपको, तो फिर आपको शर्मानी चाहिए, क्योंकि आपने दोबारा उस पर भरोसा किया ही क्यों। कई बार होता है कि जैसे मान लीजिए किसी ने एक बंदे को छोड़ दिया, तो वो एक बंदा उसकी मिन्नतें करने लगता है कि भाई वापस आ जाओ मेरी लाइफ में वगैरह वगैरह, और बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। दोस्तों, ऐसा करके ना आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा रहे हैं और वो आपका फायदा उठाने की कोशिश करता है। दोस्तों, हमें ऐसा नहीं करना, ठीक है, अगर वो जा रहा है ना या जा रही है तो उसे जाने दो। हम जबरदस्ती किसी को पकड़ नहीं सकते, हम जबरदस्ती किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपके साथ मिलजुल कर रहे। दोस्तों, हमें सामने वाले को ये नहीं बताना कि हम कमजोर हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं, उसकी मिन्नतें कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप ये दिखा रहे हैं कि भाई आप कमजोर हैं और आप उसके बिना नहीं रह सकते, लेकिन आपको ये दिखाना है कि हाँ भाई, हम तेरे बिना रह सकते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी, क्योंकि अगर तुम हमारे प्यार को नहीं समझ रहे हो तो हमें भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। कई बार होता है दोस्तों, एक बंदा दूसरे बंदे को बहुत उसके लिए गलत कर देता है, उसके वो केसेस में इन्वॉल्व कर देता है, ऐसा भी होता है। तो दोस्तों, ठीक है, अगर केसेस चल रहे हैं तो आपको दबने की जरूरत नहीं है, चल रहे हैं, लेकिन आपको उन केसेस के दौरान इतने ज्यादा डिप्रेस्ड नहीं होना है, इतना ज्यादा कि आप लाइफ में, लाइफ को जीना ही भूल जाएं, लाइफ में खुश रहना ही भूल जाएं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी लाइफ पूरी तरह से इंजॉय करनी है, ठीक है, केसेस चल रहे हैं तो आप उनका जवाब देते रहिए, जो भी आप कर सकते हैं आप करिए उसको जवाब देने के लिए, लेकिन दोस्तों लाइफ में इतना डिप्रेस्ड मत होइए कि आपके अपने, आपके घर वाले परेशान हो जाएं आपको ऐसा देखकर। आपको उनके लिए खुश रहना है, आपको अपने लिए भी खुश रहना है, और आपको सामने वाले को भी दुखी करने के लिए खुश रहना है, क्योंकि आपको खुश देखकर सामने वाला दुखी होगा। वो कहेगा कि भाई इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मैंने इसे छोड़ दिया, इतने सारे केसेस कर दिए इसके ऊपर, लेकिन देखो ये तो अभी भी खुश है मेरे बिना, तो मैंने ही गलत करा। उसे कहीं ना कहीं रियलाइज होगा अपनी गलती, अगर आप खुश रहेंगे तो। दोस्तों, लाइफ में जो भी होता है ना हमारे साथ, वो हमारे कर्मों का फल होता है। अब चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, हमें उसे एक्सेप्ट करना ही है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसे हंसकर एक्सेप्ट कर लें या फिर हम उसे रोते रोते एक्सेप्ट कर लें। तो आप क्या पसंद करेंगे? ऑब्वियसली हंसकर एक्सेप्ट करें। तो दोस्तों, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सामने वाले को ये दिखाइए, ये बताइए कि हम भी किसी से कम नहीं।
दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।